दिनों कच्ची हल्दी बहुत आ रही है और कच्ची हल्दी आपको यूज़ में लेनी चाहिए। लेकिन आज ऐसा अद्भुत उपाय आपको बताने वाली हूँ कच्ची हल्दी का, जिसकी कोई हद ही नहीं है और जो करोड़ों में अनोखा उपाय है। यह न केवल आपके धन को बढ़ाएगा, बल्कि आपकी ज़िंदगी में किस्मत भी चमकाएगा। क्योंकि बृहस्पति अगर अस्त हो, नीच का हो, तो किस्मत नहीं चमकती है। लाइफ में स्ट्रगल बहुत होते हैं और हंसी खुशी जीवन व्यतीत नहीं करता है आदमी। हंसी खुशी के पल सीमित ही होते हैं। अगर नेचर ही अच्छा हो तो क्या कहना, लेकिन नेचर अच्छा नहीं है तो मुश्किलें बहुत आती हैं। क्योंकि आदमी अति सिद्धांतवादी होने से कठोर हो जाता है और हर किसी का प्रिय नहीं होता है। तो आपको अपनी इमेज अच्छी करने के लिए हल्दी का प्रयोग अवश्य ही करना चाहिए। कच्ची हल्दी विशेष रूप से जागृत होती है हर दिन, लेकिन गुरुवार को इसका विशेष महत्व है और आज इसी की चर्चा हम इसीलिए आपको बताने वाले हैं। हल्दी का अचार डालने के लिए ये हल्दी लाई गई है, लेकिन आप हल्दी का अचार डालने से पहले सोच लें कि आपको इसको किस काम में लेना है। क्योंकि हम ज्योतिषी हैं, ज्योतिषी के नज़रिए से ही हल्दी को देख रहे हैं। तो आपको अचार बनाते समय ये ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी नेगेटिव थॉट आपके मन में ना आए, आपके मन में शुभ ही शुभ विचार आए, आपकी समृद्धि की आप मन ही मन भगवान से प्रार्थना करें, पैसा आपके जीवन में आए ये प्रार्थना करें, और आपके जीवन में सुख समृद्धि की दस्तक भगवान बृहस्पति हमेशा देते रहें, ये उनसे विनती करें। तो हल्दी का अचार आपके लिए शुभ फलदायी होगा। और हल्दी का अचार हमेशा स्वच्छ हाथों से बनाना चाहिए। अचार तो वैसे भी स्वच्छ हाथों से बनाना चाहिए, लेकिन विशेष रूप से आप बृहस्पति को जागृत करना चाहते हैं, प्रसन्न करना चाहते हैं, तो मार्केट वालों की तरह नहीं बनाएं। हालांकि मार्केट वालों पे हम कटाक्ष नहीं कर रहे हैं, मार्केट वाले भी स्वच्छता से बनाते ही होंगे, लेकिन उनके मन में बिजनेस की भावना इतनी ज़्यादा होती है, जल्दी से जल्दी पैसे वाला बनूँ, जल्दी से जल्दी पैसे मेरे जीवन में आए। तो ऐसा तो नॉर्मल सी बात है, हर किसी के मन में भी आती है, हमारे मन में भी आती है, लेकिन आपके मन में भी आनी चाहिए। और आपको करोड़ों रुपया आए ये भगवान बृहस्पति से विनती करनी है आज के दिन। आज के दिन सिर न धोएं, आज के दिन फीका भोजन करें, आज के दिन वस्त्र की धुलाई ना करें तो आपको फ़ायदा होगा। और मंजन किस तरीके से करना है हमने एक वीडियो में आपको बताया है। तो मंजन करते समय हल्दी का प्रयोग करें। हल्दी के रस भी, कच्ची हल्दी का रस भी ले सकते हैं, कच्ची हल्दी चबा चबा के खा भी सकते हैं, तो आपको बहुत फ़ायदा होता है और आपको तरक्की के साथ में अच्छा स्वास्थ्य भी आपके जीवन में आता है। तो करके देखिए और अपने अनुभव हमारे साथ शेयर करिए। हम हैं एस्ट्रोलॉजर और वास्तु कंसल्टेंट डॉक्टर उमाश्री, 25 साल से आपके सेवा में रत हैं। हमारे चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, यहाँ जो है वहाँ कहीं नहीं है। हम अपने यूट्यूब चैनल में आपका बहुत स्वागत करते हैं। तो आज का वीडियो इतना ही, फिर हाजिर होंगे नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए सुखी रहिए, संपन्न रहिए, भगवान बृहस्पति आपके ऊपर मेहरबान रहें। थैंक यू सो मच।